बहुजन समाज पार्टी ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से युवा जुझारू समाज सेवी मोहन सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यादव प्रत्याशी बनाए जाने से धनबाद में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। धनबाद के बसपा प्रत्याशी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ नाथ और दूसरा नागनाथ है। धनबाद की जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताकर दिल्ली भेजेगी। मेरा परिचय हुआ मोहन सिंह यादव। मैं धनबाद लोकसभा का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। आज जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे बहन मायावती जी ने धनबाद लोकसभा से मुझे टिकट देकर धनबाद की जनता के लिए मुझे भेजा है उनकी समस्या के लिए। मैं धनबाद लोकसभा से, मैं रहने वाला मैथन कुमार डूबी का हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह यादव। धनबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सांसद आते रहे लेकिन वहाँ की जनता जो है अभी मांग कर रही है। अब देखिए, इसी के लिए बहन मायावती जी ने मुझे धनबाद भेजा है कि धनबाद को धन की आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। धन का आबादी का क्षेत्र कहे जाने वाला इंडिया और एनडीए दोनों का सरकार रहा है, वर्तमान में भी अभी भी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि धनबाद को धन की आबादी वाला क्षेत्र कहे जाने वाला जो कोयला खदान, जो हमारे पूरे देश में विदेश में भी जाता है, इसके बावजूद भी जो आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे किसान मजदूर है जो परेशान हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी परेशान हैं, जो व्यवसायी हैं वो भी परेशान हैं, हमारे व्यवसाय करने वाले लोग भी परेशान हैं। कि अब ये बताइए कि धन की आबादी कहे जाने वाला क्षेत्र में जो कल कारखाना वो भी बंद हो गया। कुआडूबी में केमसीएल बंद हो गया, केफिस बंद हो गया और कल कारखाना बंद हो गया, और जो 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 कल कारखाना के साथ साथ कुछ मजदूर कोयला में जीते थे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से मशीनरी के द्वारा उन लोगों को और बेरोजगार कर दिया गया। तो मैं धनबाद क्षेत्र की जनता को आवाज़ उठाने के लिए मैं धनबाद में आया हूं, और इंडिया का किया, एनडीए का किया, हमको उससे मतलब नहीं, उन पे हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन धनबाद की जनता के लिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं जी जान से मैं परिश्रम करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, कहूंगा मैं आपका भाई हूं, भतीजा हूं, बेटा हूं, नाती हूं। एक बार मुझे धनबाद से मौका दीजिए, 5 साल का तो टाइम है। मैं इसका आवाज सदन में उद्योग मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया के यहाँ मैं कहूंगा कि मेरे यहाँ का संपत्ति धनबाद का जो बाहर जा रहा है, और धनबाद मेरा विकास से अछूता पड़ा हुआ है, वाह वाह, और हमारे लोग जो है रोजगार पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, जैसे आप पंचित डैम है, मैथन डैम है, बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, कुआडूबी स्टेशन है, वहाँ है जो राजधानी न रुके तो बाकी टोटल सुपर फास्ट ट्रेन को रुकना चाहिए वहाँ, लेकिन वो भी सुविधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जो बंगाल झारखंड का बॉर्डर पर है, वो भी नहीं है। वो है तो उसका रख रखाव के बगैर ऐसी तरह पड़ा हुआ है। तो मैं जनता की आवाज़ के लिए, अपने नौजवानों की आवाज़ के लिए, मैं नौजवान हूँ, उनके लड़ाई में लड़ूंगा, और मैं कहूँगा जनता मुझे यहाँ से चुनाव जिता करके भेजे, और मैं उनके वादे पर अगर खरा मैं नहीं उतरूंगा, मैं इसका सड़क से सदन तक आवाज में नहीं उठाऊंगा,
तो जनता को जो बुझे, 5 साल का ना टाइम है, जनता को जो बुझाए वो हमको सजा देगी। क्या लगता है कि धुआं तो पूरा विश्व में जाना जाता था कोयला के लिए, हाँ, और बहन जी इसीलिए बहन जी है, देखिए इंडिया के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी दोनों में आपस लोग में अपना चल रहा है कि हम 20 और सारा वोट हमारा है बहन जी का, वोट टोटल हमारा पूरे धनबाद लोकसभा में। आज लोग कह रहे हैं बहन जी का वोट है, हाँ झंडा हम उसको बुलंद कराएंगे, बुलंद करेंगे, घर घर तक जाएंगे और समझाएंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे नौजवानों, इतना हमारा हक अधिकार रहते हुए आगे बढ़ो और मुझे है जो सदन तक भेजिए और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो पर भी मैं खुश हूँ। अगर भाई देवे जनता भी अगर मुझे आशीर्वाद नहीं दी तो पर भी मैं बहन जी के झंडा तले इस धनबाद के लिए, रोजगार के लिए मैं है जो लड़ने का काम करूंगा और लड़ता रहूंगा। कि जैसे बहुत से नेताजी लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया, गोदी चैनल दुनिया में नहीं जानता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो लोग हमारे सब भाई हैं, आपके ही चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देश का संविधान बच सकता है, बिगड़ सकता है, व्यवस्था बन सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हकीकत में जो है उस चीज को आप लोग दिखाने का काम कीजिएगा और हमारे सभी भाई जो मीडिया वाले, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि हकीकत है जो काम करेंगे। मैं उनका भाई हूँ, वो हमारे भाई हैं, बस हमारा यही रिक्वेस्ट है।